आज हम आए हुए हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ओल्ड गोवा पंजिम में। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये कैथोलिक बेसिलिका है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1594 में और खत्म हुआ था 1605 में। ये चर्च गोवा के सबसे पुराने चर्चेस में से एक है जो पुर्तगीज के टाइम पे बनाया गया था और दुनिया भर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में गिना जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है गाइस। एंटर करते से ही आपको ऐसी मार्बल की फ्लोर देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही यहाँ पे जिस तरीके की चीजें बनाई गई है वेटिकन सिटी के जैसे है, और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसे चर्चेज हैं। वैसे तो ये जगह बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी इसकी गूगल मैप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा वुडवर्क है, यानी कि लकड़ी की कारीगरी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। और जो ये ऑल्टर है इसे बैरक्यू स्टाइल में बनाया गया है, और इसे जिस तरीके से बनाया गया है वो होली ट्रिनिटी को दर्शाता है। और गाइस ये चर्च बाहर से जितना बड़ा दिखता है उससे कई गुना ज्यादा अंदर से है, तो इस बेसिलिका को आप एंजॉय कीजिए अंदर से। ये जगह दर्शाती है सेंट फ्रांसिस की बॉडी को, जिन्हें प्रिजर्व किया गया है बिना किसी केमिकल के, और हर 10 साल में एक बार ये बॉडी निकाली जाती है ताकि लोग देख सकें। और गाइस आपको बता दूं, इस चर्च में बाकायदा चर्च के सर्विसेज होते हैं अब भी। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी छत भी बहुत बढ़िया है, जो पुर्तगीज आर्किटेक्ट की एक जीती जागती मिसाल है जो आज भी बरकरार है। ये सेंट जेवियर्स की ड्रेस है जो यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई है, और यहाँ पे आपको कुछ रेलिक्स की पिक्चर्स भी देखने मिल जाएंगी। 1744 में मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर का कॉफिन बॉक्स रखा हुआ है। गाइस ये कॉफिन बनाया गया था पाइन वुड से, जो कि बहुत लाइटवेट होता है, और इसमें सिल्वर क्लॉथ लगाया गया था और अच्छी गोल्ड लेसेस भी, और इसे डेकोरेट किया गया था रेड डेमास्क से। चर्च के ठीक ऊपर आर्ट गैलरी है, तो ये 10 रुपीस की टिकट आती है, तो आप ये परचेस करके आर्ट गैलरी भी देख सकते हैं। गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज देखने मिल जाएंगे, खास करके एंजल्स वगैरह के, तो उन सभी की डिटेल्स आपको इस तरीके से नीचे पढ़ने मिल जाएंगी। और जैसे कि हमने कहा ये आर्ट गैलरी है, तो बहुत सारी आर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिर्फ एंजल्स नहीं, यहाँ पे प्रीस्ट, सेंट्स, फाउंडर्स, उन सभी के भी स्टैचूज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही आप और अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके से कुछ देखने मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, और ठीक इसके बीच में एक छोटा सा गार्डन भी है। प्लस यहाँ पे कुछ शोज भी होते हैं जो हिस्ट्री वगैरह के बारे में होते हैं, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो हम नहीं गए। चर्च के पीछे इस तरीके से बैठने की जगह बनाई हुई है। गाइस इस चर्च का कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत है कि पिलर्स बाहर तक निकले हुए हैं और आप वो देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको सुविनियर का शॉप भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से सुविनियर्स ले सकते हैं। बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। गाइस इसका वर्णन यूहन्ना 1:29 यानी कि जॉन चैप्टर 1:29 में है। यहाँ पर यीशु मसीह को यानी कि जीसस क्राइस्ट को परमेश्वर का मेमना कहा गया है जो जगत का पूरा पाप उठा ले जाता है। और ये जगह ऐसी बनाई गई है जो दर्शाती है जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति, सबसे पहले जहाँ आदम और हवा ने पाप किया और पाप इस दुनिया में आया, और फिर यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमें पापों से छुड़ाया, जो कि परमेश्वर का एक निष्कलन मेमना है। फ्रेंड्स अब अगर गोवा पंजिम में आ रहे हैं तो आपको ये जगह जरूर विजिट करना चाहिए, आपकी आइटनरी में ये होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बिगेस्ट चर्च है जो आप विजिट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे आए तो प्रॉपर क्लोथ पहन कर आए, क्योंकि एक धार्मिक स्थान है, और जब आप यहाँ पे आए तो ज़्यादा शोरगुल ना करें। चर्च के बाहर आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, और यहाँ एक से बढ़कर एक लोग फोटो ले रहे हैं, हमने भी ली है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक करना मत भूलिएगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के जस्ट ऑपोजिट में
एक और चर्च है जिसे न्यू चर्च कहते हैं, और साथ ही उसके एक म्यूज़ियम भी है। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप जा सकते हैं। हमने पूछा तो यहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, तो इसलिए जाकर मतलब नहीं है हमारे लिए। तो लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप अंदर जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे चार रास्ता मिल जाएगा, जहाँ पे सारी पार्किंग है टू व्हीलर और फोर व्हीलर की भी। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, और अगर प्यास लगे तो नारियल पानी और गन्ने का जूस वगैरह पी सकते हैं। और काफ़ी आइसक्रीम स्टॉल्स भी है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर भी है। आपको हमारा गोवा सीरीज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जब हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उसको भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।